मॉक टेस्ट के लिए लिंक ओपन हो चुका है। सोशल साइंस ओलंपियाड 2022 छठी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट योर मॉक टेस्ट, और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक नया ओपन मिलेगा, लॉगिन पेज मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन मोबाइल नंबर और लॉगिन स्टूडेंट नेम यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर और स्टूडेंट नेम डालता हूँ एक बच्चे का, ताकि मैं आपको ट्रायल करके दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये ओपन हो रहा है। तब तक वीडियो को आप लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो लॉगिन ओपन हो चुका है। जैसे आप नंबर और नंबर नाम डालेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट थोड़ा सा ध्यान से समझें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं। जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट की होगी, यानी कि 10 मिनट तक, ये 10 मिनट का टेस्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका द ओलंपियाड ऑन द टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सोशल साइंस। टॉपिक रहेगा आपका भारत का संविधान और सोशल साइंस। देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट इज 10 मिनट। 5 क्वेश्चन होंगे, 10 मिनट का टेस्ट होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो ऑल द क्वेश्चंस विल बी इन MCQ, जो सारे प्रश्न होंगे MCQ होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 1 राइट होगा। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। देयर इज नो मार्किंग ऑफ दिस मॉक टेस्ट, तो इस मॉक टेस्ट के कोई भी मार्किंग नहीं रहेगी। ये सिर्फ ट्रायल है, आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है, तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। द पर्पज ऑफ दिस मॉक टेस्ट टू गेट यू रेडी फॉर मेन ओलंपियाड शेड्यूल फॉर 11 दिसंबर, जो 11 तारीख को आपका मेन पेपर होने वाला है, उसके लिए तैयारी आपकी है कि किस तरह से आपको पेपर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्ट का, तो यहाँ पर स्टार टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। स्टार टेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आ गए हैं, और यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई यूज़ कैमरा, तो आप जो है कैमरा यूज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, फ़िलहाल मैंने यहाँ पर इसे आपको कैमरा ऑन करके ही रखना होगा शायद। चूज द नोबडी अपलोड द दिस टाइप ऑफ बिगिन, ओके, तो आपको क्या करना होगा, अलाउ करना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे फ़िलहाल आप कैंसिल कर दीजिए, और अब यहाँ पर आपके लिए क्या रहेगा, टाइमिंग चल रही है, ये ध्यान रखना, टाइमिंग चल रही है। 5 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर जो है काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं बता रहा हूँ, सीधा मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ। तो पहला लिखा हुआ इन्होंने कि जलियांवाला बाग इज लोकेट इन विच सिटी ऑफ इंडिया, जो जलियांवाला बाग भारत के किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी यहाँ पर टिक कर दिया है, दोनों में से एक। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, तो चलिए आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अगर आपको लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और अगर आपको लगता है कि आपको आंसर नहीं पता, तो आप स्किप करके दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सही आंसर है, तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, और अब हमारे पास आ गया दूसरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। तो यहाँ पर हमने जवाहरलाल नेहरू कर दिया है फॉर एग्जांपल के लिए, और यहाँ पर हमने फिर से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, आप पुराने वाले प्रश्न को भी देख सकते हैं, इस वाले प्रश्न को स्किप कर सकते हैं, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट पे हमने कर दिया, तो ये वाला प्रश्न हमारा सेव हो गया और अगला हमारा खुल गया है। हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की, तो राष्ट्रगान की रचना हमने फॉर एग्जांपल के लिए रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर कर दिया है, और फिर से हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब चौथा प्रश्न आ गया है कि भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में किस कोने में स्थित राज्य का नाम बताइए, तो दक्षिण और पश्चिम में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण और पश्चिम कौन से होते हैं। उत्तर ऊपर हो गया, दक्षिण नीचे हो गया, और पूरब इधर हो गया, है ना। तो सॉरी, पूरब हो गया, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, तो नीचे दक्षिण हो गया। इन्होंने क्या लिखा, भारत के दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया। तो आप यहाँ पर, मैं एग्जांपल के लिए केरल कर लेता हूँ, बाकी कौन सा है वो तो बाद में देखा जाएगा। और अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि केरल में उगाया जाने वाला प्रमुख उत्पाद कौन सा है, तो केरल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो चलिए हमने यहाँ पर बोथ कर दिया है, लौंग की तरह मसाले, और उन दोनों को कर दिया है हमने सेव पे क्लिक कर दिया। पांचवा प्रश्न आपके लिए, ओके, पांचवा आपका आ चुका है,
और अब यहाँ पर आपको पूरा ये दिखा रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझे, आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि ये मॉक टेस्ट है और यहाँ पर आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है, सिर्फ पेपर को समझना है। अभी आपके पास टाइम है, आप चाहे तो बैक कर सकते हैं और प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आप सबमिट टेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर आप देखोगे तो क्या देख रहा है आपको, एक बार दोबारा देखते हैं, क्विज नेम क्या है आपका, नेशनल ओलंपियाड 2022। एग्ज़ाम की समरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है, 5 प्रश्न थे, आंसर कितनों के दे दिए आपने, 5ों के आंसर आपने दे दिए हैं, 5 के 5 आपके सही, सॉरी सही है कि गलत है नहीं पता, लेकिन आपने 5, और नॉट आंसर्ड यानी कि जो आपने स्किप किए थे वो कितने, तो स्किप आपका एक भी नहीं है। अगर आप किसी भी प्रश्न को स्किप करते हैं यानी कि उसका आंसर आप नहीं देते तो यहाँ पर वो स्किप वाले में आ जाएगा और आंसर वाले में माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 5 क्वेश्चंस थे, आपने 4 आंसर किए तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, 4 यहाँ पर आएगा और नॉट आंसर पे 1 आ जाएगा, तो टोटल आपके 5 हो गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट टेस्ट पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जो है, जैसे आपको लगा कि देखो अभी टाइमिंग ज़्यादा है, 1 प्रश्न पे 2 मिनट लग रहे हैं, तो आप प्रॉपर टाइम दीजिए अपने टेस्ट को, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, टाइम का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है आपके पास पूरा टाइम और आप जल्दबाजी में आप गलत कर गए और अपना टेस्ट आपने सबमिट कर दिया। ज़रूर आप चेक करें, एक बार हम देख लेते हैं कि अगर इसे हम बैक करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये ट्रायल है तो ट्रायल में हमें सारा कुछ समझना ज़रूरी होता है ताकि हम मेन एग्ज़ाम में गलती ना करें। तो मान लीजिए हमने इसे बैक कर दिया है, तो देखते हैं बैक में क्या है कि अब आपके पास पुराने प्रश्न आ गए। मान लीजिए आपको लगा कि भाई आपके पास देखो 10 मिनट का टाइम था और हमने 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया, तो अब आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तो विच इज़ द मेन प्रोडक्ट ग्रोन इन केरला, तो केरला में कौन सा मेन प्रोडक्ट उत्पाद है, तो आपको लगता है कि भाई हमने बहुत गलत लग दिया, हमने यहाँ पर ऊन करना था तो आपने ऊन पर क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने अपने आंसर को बदला है, ये ध्यान रखना आपने बदल दिया है। अब आप यहाँ पर फिर से 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, जो भी प्रश्न आपको लगता है डाउट में आप उसे दोबारा से एक बार रिव्यू कर लें, प्रीव्यू कर लें, चेक कर लें, और जब आप फाइनल सेटिस्फाई रहेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबमिट टेस्ट पे क्लिक करना है। ध्यान रखना टाइम से पहले आप सबमिट ज़रूर कर दें, और यहाँ पर हमने कर दिया है सबमिट टेस्ट। अब देखते हैं कि सबमिट टेस्ट करने के बाद क्या आपके पास ऑप्शन होता है, हमने यहाँ पर अलो कर दिया है और इसे कैंसिल कर दिया है, ऑसम, और इन्होंने कहा बहुत बढ़िया, You are all set of Olympiad on, You are all set for Olympiad on 11th, all the best, यानी कि आपने जो है वो बहुत अच्छी तरह से मॉक टेस्ट दे दिया है, आप उसे समझ चुके हैं और मार्क्स यहाँ पर नहीं दिखाए, ठीक है, ये ध्यान रखना मार्क्स आपको नहीं दिखाए हैं, यहाँ पर आपको दिखा दिया कि भाई आप तैयार हैं और आपको पूरी तरह से ओलंपियाड का पेपर कैसे देना पता है। बाकी कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता तो आप आराम से कमेंट कर लिया करें, पूछ लिया करें, क्योंकि गलत करने से बेटर है कि आप उसे 10 बार पूछें ताकि आपको सही समझ आ जाए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर फॉलो कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, वीडियो लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।